नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड दोस्तों जिनको नहीं पता, बेसिकली हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको इस संडे वाली प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट मैसेज अटैक कर सकते हो। देखो जैसे ये लोग करते हैं, अगर आप ये काम करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स शेयर कर दूंगा। क्लास 50 हो चुकी है और क्लास 50 के लिंक मैंने आई थिंक बहुत लोगों को शेयर कर दिया, जिनको नहीं मिला है उनको दे दूंगा 50 का लिंक भी और 51 का लिंक भी, तो आप कर सकते हो अगर आपको करना है। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, कंपनियों के Q4 नतीजों का सिलसिला आना स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन चार स्टॉक्स के Q4 नतीजों के साथ कि अभी इनके नतीजे कैसे आए हैं और आगे का इनका फ्यूचर कैसा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल थोड़ा बहुत बतलाऊंगा लेकिन प्योरली ये रिजल्ट बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस के छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जिसको NSE में RHFL बोला जाता है। ये स्टॉक के भी Q4 नतीजे आउट हो चुके हैं और लास्ट एक साल में देख सकते हो एक रेंज में भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। राइट, अगर बात करें इसके नंबर्स की तो आप देख सकते हो क्लियरली कि कंपनी के मार्च और 22 में जो सेल्स है वो डाउन हुई है 89% एंड कंपनी का जो लॉस आया है 4000 करोड़ प्लस का, मतलब कंपनी के बहुत तगड़े वाले लॉस हमें देखने को मिले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स और फंडामेंटल एनालिसिस अगर मैं ऐड कर दूँ तो चार्ट पैटर्न भी हमें यही कह रहा है लास्ट एक साल में कि पैटर्न अभी स्टॉक का नीचे की तरफ है। देखो ये जो हाई है ये रजिस्ट्रेशन की तरह काम किया, रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिर गया और ये देख सकते हो यहाँ जैसे ही ये इसको ब्रेकडाउन करेगा, देखो यहाँ इसने ऑलमोस्ट कर चुका है, तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक इसके नीचे ब्रेकडाउन कर देता, क्लोज कर देता है, तो ये स्टॉक का जो ट्रेंड शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हुआ था वो नेगेटिव में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टॉक अगर यहाँ नीचे क्लोज करता है, दो तीन हरी रेड कैंडल ले, तो ये स्टॉक दोबारा से बेरिस हो जाएगा। तो आपके पास अगर स्टॉक है तो आप अपने डिसीजन मेक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है। मैं रिलायंस की घोड़े की बात कर रहा हूँ, इसके प्रॉफिट आए हैं और कंपनी आपको 5400 करोड़ का डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे नंबर रिलायंस के हमें देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री की जो सेल्स है 39% का जंप हमें देखने को मिलता है सेल्स में, 2,00,000 करोड़ की प्लस सेल्स हमें देखने को मिलती है एंड जो नेट प्रॉफिट है 16,000 करोड़ का है, 15% का जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है रिलायंस इंडस्ट्री का। लास्ट ईयर ये 13,000 करोड़ का था और अभी 16,000 करोड़ का प्रॉफिट है। और ध्यान रखना लास्ट क्वार्टर में ये प्रॉफिट 18,000 करोड़ का था और अभी 16,000 करोड़ का है। आई नो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे नंबर्स आए लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छे नंबर नहीं है, तो अभी स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में नीचे जाते भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हो स्टॉक को बाय करने की तो मैं बोलूँगा अभी आप बाय ना करते हुए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। स्टॉक अगर 5 से 7% की करेक्शन दिखाता है नीचे की तरफ करंट प्राइस से, ठीक है 2600 का प्राइस है, यहाँ से 5% डाउन दिखाता है तो आप स्टॉक को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो, ये मेरी गणित कहती है। तो आप डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो, डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने कर दिया है, आपको अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है ये स्टॉक। अब बढ़ते हैं हमारे अदर स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI। आप देख सकते हो इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ा उछाल हमें देखने को मिलता है, 78% का इजाफा देखने को मिलता है मार्च और 22 के नंबर्स में। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो कंपनी की सेल्स है मार्च और 22 में 1315 करोड़ की है एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 152 करोड़ का है, लास्ट ईयर ये 86 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी के नंबर्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नंबर अच्छे नहीं आए, तो मतलब स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, ये मेरे नंबर्स को देखने के बाद मुझे देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक हमने भी बाय किया था और हमारा स्टॉक में SL हो गया 125 रुपये का। अभी करंटली मैं कोई स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगा एक बार अपडेट कर देता हूँ, क्या पता आप लोग होल्ड ना कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका
बाई किया आपने 132 के प्राइस में से, मैंने आपको बताया था 125 का हमारा असल था जो हिट हो चुका है और कंपनी के नंबर्स अच्छे आए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म स्टॉक आपका बेरिश हो चुका है, ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। अगर 5-6% आपको और नीचे मिलता है तो आप सोच सकते हैं स्टॉक को एकोमोडेट करने के, लेकिन ये स्टॉक हमने सिर्फ एक ट्रेडिंग पर्पज से लिया था, तो ट्रेडिंग में हमेशा आपको लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में सोचना होता, तो यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड के कंपेरिजन में हमारा रिस्क जो था लॉस वो हिट हो चुका है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लॉस कट करके एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अदर स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाटा पावर शेयर्स के बारे में। कंपनी ने भी अपने Q4 नतीजे आउट कर दिए और आप के लिए देख सकते हो जो कंपनी का नेट सेल्स है उसमें हमें 15% का इजाफा देखने को मिलता है। 11,960 करोड़ की मार्च 2022 में कंपनी ने सेल जनरेट करी है एंड कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 503 करोड़ का है। और आप के लिए देख सकते हो कि लास्ट ईयर ये 393 करोड़ का प्रॉफिट था और साथ में लास्ट क्वार्टर में 426 करोड़ का प्रॉफिट था और कंपनी के इस बार के जो नेट प्रॉफिट 28% के ग्रोथ से अप हुए हैं। और आप देख सकते हो कि कंपनी के जो प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये स्टॉक टाटा पावर शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में बाय कैंडिडेट बनता है एज पर फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर से 28% अप है और साथ में दिसंबर 2021 के कंपैरिजन भी मोटा मोटी 10-12% का जंप हमें देखने को मिलता है जो काफ़ी डिसेंट है और ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट आती है टाटा पावर में तो जो भी गिरावट आएगी वो एक डिप बाय अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, तो डेफिनेटली आप टाटा पावर को एक बाय कैंडिडेट मान के चल सकती हो अगले कुछ महीनों के लिए, अगले 3 महीनों के लिए। राइट, अगर आप चाहो तो स्टॉक पे 200 रुपी का SL लगा सकते हो एंड आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट थे इन चारों स्टॉक के बारे में, आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा। तो जो मैंने आपको व्यू शेयर किया आप उसके हिसाब से अपना ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, लेकिन टाटा पावर इज ओनली कैंडिडेट दैट वी कैन इन्वेस्ट एज वेल एज वी कैन बाय द स्टॉक। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आप तो अपने अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।